पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र के एक गुट ने गुरुवार को प्रशासनिक भवन के द्वार पर लगे चैनल गेट में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया। धरने के दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार टाल मटोल कर रहा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा साफ नहीं है, इस कारण उन्हें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठने को विवश होना पड़ रहा है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र रणजीत सिंह श्रीनीत ने कहा, चुनाव कराया जाए, आवाज दो, आवाज दो, कराया जाए, कराया जाए, छात्र जिंदाबाद, 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 शासन चुनाव कराया जाए। मेरा नाम रंजीत सिंह सुन्नत है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ होता है, कर्मचारी संघ होता है, मगर पिछले दो सालों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के हम लोग विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय के सभी छात्र और छात्र नेता यहाँ पे उपस्थित हैं और हम लोगों की मांग है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराया जाए और यहाँ की जो पुस्तकालय है बहुत सालों से वहाँ पे किताबें नहीं खरीदी गई हैं उसको ई लाइब्रेरी कराया जाए और विश्वविद्यालय के जो छात्रावास है उस छात्रावास का पुनर्निर्माण कराया जाए, सुदृढ़ीकरण कराया जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। तालाबंदी की है आप प्रशासनिक भवन पे, कब तक जारी रहेगा ये तालाबंदी? जब तक नहीं खुलेगा, जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन आकर के हम लोगों के सामने छात्र चुनाव की तिथि घोषित नहीं करेगा, तब तक हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे और ये ताला भी बंद रहेगा। आप लोग कुलपति से मुलाकात किए थे इन मांगों को लेकर, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? कुलपति जी से हम लोग कई बार सभी छात्र नेता अलग अलग टीम के साथ एक साथ भी जाकर के हम लोग कई बार उनसे बात कर चुके हैं। वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि शासन का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से हम चुनाव कराएंगे, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन खुद चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है और हम लोगों को गुमराह कर रही है शासन के नाम।